नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद, न्यूज रूम से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम चांद पर पहुंच रहे हैं और जिनके झंडे पर चांद है वो क्या गुल खिला रहे हैं, आपको दिखाते हैं तस्वीरें। अमिता दिखाइए हमें तस्वीरें, ये देखिए, ये आपको पीछे पाकिस्तान का झंडा दिख रहा है और साथ में क्या हो रहा है नजर दौड़ाइए। और ट्विटर पर, यूट्यूब पर, सोशल नेटवर्किंग पर इन विजुअल्स की बाढ़ है। अमिता जरा समझाएंगे कि ये बेली डांसिंग और पाकिस्तान के झंडे का क्या कनेक्शन है? ये दरअसल पाकिस्तान में पिछले दो दिन से निवेशकों के लिए एक समिट का आयोजन किया गया है और इसमें निवेशकों को लुभाने के लिए, रिझाने के लिए पाकिस्तान ने 5 बैली डांसर बुलाए हैं, जिसमें ये देखिए, ये तस्वीरें आप देख रही हैं किस तरीके से बैली डांस करवाया जा रहा है। आर्थिक तंगी से जो इन्वेस्टर्स चाहिए, पैसा चाहिए, उसके लिए बैली डांस करा रहा है। इन्वेस्टर आ जाओ, ये नाच देखो, पैसा फेंको। बिल्कुल बिल्कुल, कल से अब तक लाखों की तादाद में लोग इस वीडियो को ट्वीट कर रहे हैं कि भारत जो है चांद पर यान को भेज रहा है और पाकिस्तान इस तरह के बैली डांसर्स को बुला रहा है। किस किस्म की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इमरान सरकार के खिलाफ? यही कि इमरान इतना इस हद तक गिर चुके हैं कि बैली डांस दिखाकर अपने देश को जो है आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें देखिए, और ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, ये पाकिस्तान की हकीकत को बयां करती है, उस पाकिस्तान की हकीकत को बयां करती है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएन का टेररिस्ट घोषित किया जा चुका है, मौलाना मसूद अजहर, उसको गुपचुप तरीके से रिहा कर दिया जाता है ताकि वो भारत में और अफगानिस्तान में आतंकी घटनाओं को अंजाम दे, कोई पुलवामा टाइप अटैक करे, बिग एक्शन करे। हमारे साथ शालिनी जुड़ रही है। शालिनी, आज बहुत अहम दिन है पाकिस्तान के लिहाज से, FATF और UNHRC, क्या डेवलपमेंट? जी बिल्कुल, जैसे कि जिनेवा में UNHRC की बैठक होनी है, हालांकि नतीजे तो कल तक आएंगे क्योंकि खुरेशी को कल बयान देना है यानी कि मंगलवार को, और ये बैठक 9 तारीख को शुरू होगी यानी कि आज शुरू होगी और 13 तारीख को चलेगी। इसमें जो विषय है पाकिस्तान, उम्मीद जताई जा रही है कि कश्मीर का मुद्दा ज़रूर उठाएगा क्योंकि पहले भी उठा चुका है। ऐसे में जयशंकर ने अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली है, यानी कि भारत तैयार है जिस मुद्दे को वो उठाएगा, यानी कि कश्मीर का मुद्दा। इस दौरान हमारे पास भी आज POK के वो विजुअल्स आए हैं जहां पर ये जो दहशतगर्दी है जिसके पीछे वर्दी है, लगातार POK में लोग चिल्ला रहे हैं, POK की चिंता नहीं है पाकिस्तान को और ये हरकतें। जी बिल्कुल, और अभी इस तरह की भी खबरें आई हैं कि पोस्टर्स भी लगाए गए हैं। साथ ही अगर हम बात करें FATF की, यानी कि पहले ही पाकिस्तान को FATF ही, जो कि खुफिया एजेंसी है और आतंकी गतिविधियों पर जो है नज़र रखती है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर पाकिस्तान अपनी गलतियों से कोई सबक नहीं लेता है, आतंकियों पर कार्रवाई नहीं करता है, तो उन्हें ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। ग्रे लिस्टेड पहले से ही हो चुका है। ऐसे में आज से शुरू होकर बैठक, यानी कि 9 तारीख से शुरू होकर ये बैठक भी 4 दिनों तक चलेगी। लगभग 15 लोगों की टीम जो है पाकिस्तान से, डेलीगेट्स जो है वो पहुंच चुके हैं और इसके भी परिणाम जो है दोपहर तक आ जाएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं जो FATF की ब्लैक लिस्ट होती है, एडवांस ग्रे लिस्ट पर पाकिस्तान ऑलरेडी से है, उसका इम्पैक्ट ये होता है कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फंडिंग या लोन्स मिलना बंद हो जाते हैं। और क्यों होते हैं? क्योंकि लगातार टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है, टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है और कोई भी ज़मीन पर उसने एक्शन आतंकवाद के खिलाफ दिखाया नहीं है। FATF की तलवार सर पर है और इसके बावजूद मौलाना मसूद अजहर को वो गुपचुप तरीके से छोड़ देता है। मीनाक्षी, इसके पीछे क्या अपडेट्स आ रहे हैं, खास तौर से इंटेलिजेंस इनपुट्स क्या कह रहे हैं? हमें अभी ये पता चला है कि मौलाना मसूद अजहर को पाकिस्तान ने रिलीज़ कर दिया है। पहले पाकिस्तान ने कहा था कि वो उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे, एक अरेस्ट भी करी थी, पर अब पता चल रहा है कि ये ओवरऑल काफ़ी फेक था। यूएन ने, फ्रांस, यूके और यूएस ने जब एक रेजोल्यूशन पास किया था, चाइना ने अपने वीटो पावर हटाए थे, ये टेक्निकल स्नैग हटा के मसूद अजहर को दिखाने के लिए पूरी दुनिया को प्रोस्क्राइब तो कर दिया, पर क्लियरली उनके अगेंस्ट कभी कोई एक्शन नहीं हुआ। इनफैक्ट सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही कि शायद वो कभी अरेस्ट ही नहीं हुए थे, और अगर ये अरेस्ट था तो बहुत ही क्लियरली आई वॉश था। थोड़े दिन, बेसिकली पाकिस्तान का यही हाल है, थोड़े दिन टेररिस्ट को आप अंडरग्राउंड रखिए और जब आपके ऊपर से दुनिया की नज़र हट जाए आप वापस उन्हें ले आइए। 370 के बाद पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड से आइसोलेटेड है, दुनिया इंडिया के साथ है व्हेन इट कम्स टू कश्मीर। सो उन्होंने अब क्या किया, पाकिस्तान को, इंडिया को वापस नीचा दिखाने के लिए उन्हें फ्री कर दिया है। पर एक वर्ड है, फ्रैंकनस्टाइन, एक शैतान जो आप क्रिएट करते हैं दूसरों को परेशान करने के लिए, पर वो बाद में आप ही को अटैक करता है। तो पाकिस्तान के साथ पहले भी बहुत हो चुका है, टेररिस्ट बनाए, प्रॉक्सी वॉर करते हैं इंडिया के अगेंस्ट, पर एंड ऑफ द डे घूम फिर के यही होता है कि वो उन्हीं के अगेंस्ट अटैक कर देते हैं। टाइमिंग नहीं समझ में आ रही है मौलाना मसूद अजहर को रिलीज करने की, कहीं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली तो स्थिति नहीं है? एक तरफ FATF है, एक तरफ UNHRC है, बैठकों का दौर जारी है, डिप्लोमेटिक पाकिस्तान पस्त हो चुका है, उसके बावजूद मौलाना मसूद अजहर को छोड़ने की जरूरत अभ्यास? देखिए, पाकिस्तान में जो इस्लामिक संगठन है सो कॉल्ड, उनका दबाव भी इमरान खान पे कहीं ना कहीं रहता है।
पाकिस्तान भले ही फेस सेविंग करने की कोशिश करता हो कई बार हाफिज़ को बंद करके, लेकिन एक तरफ वो हाफिज़ को बंद करता है, दूसरी तरफ वो मसूद अज़हर को जेल से रिहा कर रहा है। तो पाकिस्तान में अंदर बहुत दबाव है इमरान खान पर, जो कट्टरपंथी संगठन है पाकिस्तान के, उनकी तरफ से बहुत दबाव है जिसकी वजह से उसको मसूद अज़हर को छोड़ना पड़ा है। लेकिन उसकी हालत की आप अंदाज़ा लगाइए, इकोनॉमिकली इतनी खस्ता हालत हो गई है उसको कि आज हमने एक तस्वीरें दिखाई कि बेली डांस करवा रहे हैं वो इन्वेस्टर्स को रिझाने के लिए ताकि पैसा आए किसी तरह से। FATF में उसके अधिकारी पहुँचे हैं ताकि पाकिस्तान का फेवर रखा जा सके, कंगाली से बचाया जा सके। अगर FATF से पाकिस्तान को हो सकता है आज बहुत बड़ी फटकार पड़ने वाली हो, पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। तो मेरे को ये टाइमिंग समझनी है, क्योंकि मैं 2+2 पुट टुगेदर नहीं कर पा रही हूँ। FATF और UNHRC के बीचों बीच कटोरे वाली हालत, बेली डांसिंग कराने वाली, वो भी एक पैरेलल चल रहा है, मसूद अज़हर को इस टाइम पे छोड़ना ऑफ ऑल द टाइम। दरअसल क्या है कि जब से कश्मीर में डोमेस्टिक प्रेशर शायद बहुत ज़्यादा हो गया। दरअसल क्या है, जब से कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा है, वहाँ की जो पाकिस्तान की जो आवाम है वो इमरान खान को बहुत ज़बरदस्त तरीके से घिराव कर रही है। अब इमरान खान को समझ में नहीं आ रहा है कि उससे बचें कैसे, तो उससे बचने के लिए वो ऊटपटांग कदम उठा रहे हैं जिसमें उनकी ही पोल खुल के सामने आ रही है। अब सामने आया है कि उनके तो हालत इतने खस्ता है कि रोटी खाने को नहीं है वहाँ के लोगों के पास। आप याद है जब शुरू में इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने पाकिस्तान की कारें नीलाम की थी प्रधानमंत्री ऑफिस की, उसके बंगले में बहुत सारी चीज़ें शुरू कर दी थी, अधिकारियों से बंगले खाली करवा लिए थे, मंत्रियों से खाली करवा लिए थे। तो बिजली तक अपने कार्यालय के देने के पैसे नहीं है, ये नया पाकिस्तान है जो इमरान खान बना रहे हैं। बिजली का बिल भरने के लिए पैसे नहीं, सचिवालय की बिजली कट गई थी, प्रधानमंत्री को उस कटी हुई बिजली में बैठक करना पड़ी थी वहाँ पर। तो हालत तो उनकी बहुत खस्ता है, और सबसे बड़ी बात ये उनके दोस्त चीन का भी सपोर्ट नहीं मिल रहा उनको इस दौर में, जब उनको सबसे मजबूत दोस्त उनका चीन ही था, और अमेरिका से उनको लगातार फटकार पड़ रही है। ट्रंप ने उनकी फंडिंग कई बार रोकी है अमेरिका की, पाकिस्तान की अमेरिका ने कई बार फंडिंग भी रोकी है। लेकिन अब जो है उनका जो पूरा जोर था वो दरअसल इंडिया को घेरने का था। 370 के हटने के बाद उनकी बुरी हालत है, वो कश्मीर के नाम पे अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, वहाँ की जो कट्टरपंथी संगठन है वो इमरान पे दबाव बना रहे हैं। तो कुल मिला के इमरान खान, मुझे लगता है कि जब से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये बात कह दी है कि अब बात होगी भी तो POK पर होगी, और ज़्यादा हड़कंप मच गया है, तभी उसको लेकर भी आनन फानन में बहुत बयानबाजी हो रही है। अब इसके अलावा कौन सी खबरें, पॉइंटर्स? इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर है, मोदी है आज नोएडा में है, पर्यावरण को लेकर सरकार पहले से ही बहुत गंभीर है, इस पर बात होगी। इसके अलावा दूसरी जो और बड़ी खबर है, एक अच्छी खबर स्पोर्ट्स से भी, राफेल नडाल ने ग्रैंड स्लैम जीत लिया है। इसके अलावा आपकी एक बड़ी खबर रामपुर से है, जो पॉलिटिकली बड़ा डेवलपमेंट है, जहाँ पर अखिलेश यादव जा रहे थे लेकिन अब खबर ये आ रही है उनका दौरा रद्द हो गया है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो खबरों के लिहाज से ट्रैफिक चालान अभी भी चर्चा में है, कल ही एक ट्रक वाले का उड़ीसा में 87,000 का चालान कटा है। उसके अलावा एक, लेकिन इसमें नहीं, लेकिन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग बात ये लग रही है कि लोगों में लगता है कानून को पालन करने की अब थोड़ी सी ज्यादा कानून का डर भी पैदा हुआ है, क्योंकि दिल्ली में नंबर ऑफ चालान हैव गॉन डाउन, इनफैक्ट 16,000 से 4,000 हो गए हैं पिछले महीने इसी तरह। इसकी एक तस्वीर पटना से भी आई है, देखिए चालान में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है। पटना से एक तस्वीर आई है जहाँ पे MP रामकृपाल यादव के बेटे का ही चालान कट गया है, और सबसे बड़ी बात यह कि वो बिना सीट बेल्ट के थे और उनकी कार पे काली फिल्म चढ़ी हुई थी, उन्होंने कोई दबंगे नहीं दिखाई, कोई रौब नहीं दिखाया कि मैं सांसद का बेटा हूँ, चालान देके निकल गए। तो छोटा बड़ा कोई फर्क नहीं है, लेकिन इसमें एक शर्मनाक खबर मुंबई से आई है, जहाँ पर गड्ढे में गिरने से एक ऑटो वाले की मौत की खबर है। इसके अलावा यह है कि एक बाइक सवार हस्बैंड वाइफ जा रहे थे, कपल जा रहे थे, वो गड्ढे में गिरे, बारिश की वजह से पानी भरा हुआ था, उनको पता नहीं चला गड्ढे में गिर गया और वो इंजर्ड हुए। जो परसों सवाल हमने उठाया था कि आप चालान करिए लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करिए, इन गड्ढों के लिए कौन जिम्मेदार, अब वो गड्ढे सामने आ रहे हैं, तो सरकार को कहीं ना कहीं इस पे भी काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, सरकार को काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें चालान से डर नहीं लगता है, गड्ढों से और जाम से लगता है, और उसके लिए भी कुछ करिए साहब। एक बार फिर से उसी मैसेज के साथ फिलहाल न्यूज रूम से मैं इतना ही, बने रहिए इन खबर के साथ। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।